अम्बा पवनिया, आज से हम पवनियों की शाह की गद्दी पर बैठेंगी। आज से आप हमारा साथ देंगी। अम्बा पवनिया, आज से हम सब की रक्षा आप करेंगे। मुझे प्रीत से दिल तोड़ वाली मोहब्बत हो गई है, दीवानों जैसा प्यार करता हूँ उससे। हम बाजवा भाइयों की किस्मत प्यार के मामले में एकदम बोगस। किस्मत बदली भी तो जा सकती है, अपनी किस्मत बदल डालो और मेरी बहुओं को घर ले आओ। लेकिन प्रीत तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती है माँ, नफरत करने लगी है मुझसे। इश्क की लड़ाई आसान होती तो बात ही क्या थी। ये हरगिज आसान नहीं होगा। सही कहा तूने प्रीत, आज तक किसी भी औरत ने शाह बनने की बात नहीं की है, पर इसके लिए हमें पंचों से सहमति चाहिए होगी और वो सब मर्द है। प्रीत, अगर किसी ने कुछ गलत बात की तो, जैसे कि मम्मी विधवा हैं और कहीं कुछ अपशगुन हो गया, इस तरह की बातें की तो हम क्या करेंगे? सही कहा दीदी आपने, मर्दों ने दुनिया को अपना बना रखा है, काबू कर रखा है। लेकिन अगर लड़ाई शुरू की है तो हर हद तक जाना होगा, क्योंकि ये लड़ाई हक की है। और इसके लिए अगर पंचों से भी बात करनी पड़े तो करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी। हमें एक जगह चाहिए जहां पर हम सभी औरतों के रहने का इंतजाम कर सके, सभा लगा सके, जो भी सताई हुई औरतें हैं उनकी मदद कर सके। दीदी, बात हुई आपकी? हाँ, मेरी बात हुई महिला आयोग से और उन्होंने कहा है कि वो हम सबको पूरा सहयोग देंगी। लेकिन प्रीत, पैसों का क्या होगा? पैसे? सुखी के पापा ने तो अब तक सब पैसा, कागज पत्तर सब अपने काबू में कर रखा है और वो तो मदद करने से रहे। मम्मी, ये तो आप? हाँ, लेकिन जरूरत नहीं है मुझे अब इसकी। इसे अच्छे काम के लिए काम आ जाए, उससे और अच्छा क्या हो सकता है? ये मेरा हिस्सा है, मैं सुखी के पापा से बात करूंगी कि वो पैसा कौड़ी से अपना अपना हिस्सा छोड़ दें। तब तक के लिए तो मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूंगी आप सबके लिए। ये क्या कर रही हो? कल करवा चौथ है और हमें अपने पतियों के लिए व्रत रखना है। अगर हम ये गहने दे देंगे तो हम लोग व्रत कैसे करेंगे? इतने साल उनके लिए व्रत रखा, अगर मैं ही नहीं जिंदा रहूंगी तो कौन रखेगा उनके लिए व्रत? गहने दूंगी तो इस आंदोलन के चलते मैं बचूंगी और पति के लिए व्रत भी हो जाएगा। इतने साल आप लोगों ने पति की रक्षा के लिए व्रत रखे, लेकिन क्या आपके पतियों ने कभी आपकी रक्षा की? अब वक्त आ गया है खुद की रक्षा करने के लिए कदम उठाने का। और किसी भी पत्नी के लिए ये गहने सुहाग की निशानी नहीं होती, वो इतने मजबूत इरादों की होती है कि बिना गहनों के भी उसके मन से अपने पति के लिए हमेशा दुआएं ही निकलती हैं। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अगर हमारे पतियों को पता चला तो वो बहुत मारेंगे।
और घर में बंद भी कर देंगे। अगर एक औरत की चीख निकले और दूसरी औरत उसे बचाने के लिए आए तो बजाल किसी मर्द की उसे हाथ भी लगाए। हमें खुद की ताकत खुद बनना होगा। आप लोगों को सबसे बड़ा बनना पड़ेगा। हम सब आपका साथ देंगे। सब साथ हैं हम आपके। तो आपके ऊपर ही भरोसा है जी, विश्वास मत तोड़ना। हरगिज नहीं, ये लड़ाई सिर्फ आपकी या मेरी नहीं है, हम सब की है। ये लड़ाई समाज में रहने वाली हर औरत की है। नहीं तोड़ेंगे भरोसा। बहुत दबा लिया इन मर्दों ने, बहुत हो चुका, अब इनकी बारी है। एक बात कहूं मम्मी, हमें ये लड़ाई मर्द को ये दिखाने के लिए नहीं है कि हम उनकी जगह लेना चाहते हैं या जो वो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, बल्कि ये लड़ाई ये दिखाने के लिए है कि जो हम कर सकते हैं वो मर्द नहीं कर सकते। ये लड़ाई समाज में ये दिखाने के लिए है, मर्द और औरत को बराबर सम्मान दिलाने की है, ताकि समाज में संतुलन बना रहे। तू बच्ची, तूने जिंदगी जी कहाँ है, उससे पूछ। इन मर्दों को जब तक अपने पैरों तले रौंदो नहीं ना, इनके अकल ठिकाने नहीं आते। ये सब रख कर आते हो? क्या चल रहा है वहाँ पर? घर में सभी लोग तैयारियाँ कर रहे हैं, ताई जी, मम्मी और प्रीति जी के साथ साथ बाकी सब ने भी अपने अपने गहने निकाल के रख दिए ताकि उससे हम जगह ले सके। और महिला आयोग से किसी को बुलाया है हेल्प करने के लिए। शाबाश, लड़की बड़ी तेज है। तेरी बहन, क्या क्या हो गया वीर जी, गाड़ी क्यों रोक दी? लगता है टायर गया। बबली, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। और हाँ सुन, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, छोटी से छोटी बात हो, मुझे बताते रहना। राज, अबे स्टेप नहीं देना। राज, राज, इन सब लोगों ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। सबने अपने गहने अंबा को दे दिए हैं बैंक में गिरवी रखने के लिए। अंबा शाहनी बनने की पूरी कोशिश कर रही है। प्रीत कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाली है। किसी भी हालत में वो गहने बैंक तक नहीं पहुंचने चाहिए, और जरूरत पड़ी चोरी कर मुझे दे देना। एक बार वो गहने गए तो अंबा और प्रीत दोनों की इज्जत मिट्टी हो जाएगी। इसी तरह खबर पहुंचाती रहो, और हाँ, इसी तरह गुंजन की दोस्त बनी रहो। याद रहे, हमारे साथ काम करोगी तो बहुत फायदे में रहोगी। आप पकड़िए इसे। निकल गए साले। बीजी,
प्रीत और उसके परिवार के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है, मैंने अभी सुना। यार वो सब तो ठीक है, लेकिन हम ये सब उन्हें बताएंगे कैसे, उनकी मदद कैसे करेंगे, वो तो हम पर भरोसा ही नहीं करते। वही तो बात है जी, मेरे पास एक तरीका है। ये देख क्या क्या छुपाया तूने? दीदी वो अच्छी नहीं है। क्या अच्छा नहीं है, दिखा। नहीं दीदी दिखा, अच्छी नहीं है। दिखा मनु दिखा। देखा मनु बोल दिया मैं तो हमेशा मेरे लिए मनु ही है। ये प्रीत व्रीत ना मुझसे नहीं बोला जाता, मनु ही ठीक है। दीदी आपकी मुझे भी ना मुझे मनु ही अच्छा लगता है। ये प्रीत ना अजीब लगता है, है ना चल आगे का देखते हैं। मनु तू बैठ, मैं उठाती हूँ। मुझे भी दिखाइए। दीदी एक बात कहूं, दीदी रोहन वीर जी ने आपको बहुत संभाला है। जब हम बाजवाओं के घर पर थे ना तो जितनी मदद उन्होंने, मुझे सिर्फ एक ही इंसान से प्यार है और वो ये है। दीदी आप गलत सब, मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ। मैंने आज तक तुझे किसी भी चीज के लिए जबरदस्ती नहीं की है, तू मुझे भी मत कर। मुझे उन बाजवाओं से कोई मतलब नहीं है। प्रीत दीदी वो नीचे महिला आयोग से तो औरतें आई हैं मिलने। हाँ तू जा हम आते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रोमिला चैटर्जी और ये जो मेरे साथ आई है इनका नाम है लैला बख्शी। लैला नमस्ते करो। हम महिला आयोग से आए। आप दोनों हमारी आवाज के बारे में सोच रहे हैं ना? तो क्या है ना कि हमें बहुत चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, नारेबाजी करनी पड़ती है ना, तो अक्सर हमारी आवाज बहक जाती है। आपने हमें हेल्प के लिए बुलाया था?
आप अगर ऐसे देखेंगी हमें तो कहीं नजर न लग जाए हमें। आप कुछ कहती क्यों नहीं है, कुछ कहिए ना प्लीज। मम्मी ये है प्रोमिला, नाइस टू मीट यू। जी भी सेम। और ये है लैला। लैला पक्षी। ये कह रहे हैं कि ये महिला आयोग से आए हैं। कह रही है मतलब क्या है आपका? हाँ मतलब हम कोई झूठ थोड़ी कह रहे हैं। हाँ हाँ तो प्रीत भी सच ही बोल रही है। उसका कहने का मतलब है कि हम में से किसी ने भी महिला आयोग को फोन नहीं किया। सुना लैला तूने, इन्होंने नहीं बुलाया हमें। अच्छा अच्छा ओके, तो हम यहाँ कैसे आ गए? वो इन्होंने नहीं बुलाया तो जाहिर सी बात है ना, हम खुद से आ गए, अपने आप चल के आ गए, मतलब बिना बुलाए आ गए। मतलब हम लोग कर्मयोगी है ना, कर्मयोगियों को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, हम तो अपने आप चले जाते हैं। जैसे आज आपके यहाँ पे आए हैं और ये तो हमारा काम है ना, इससे हमें ये भी पता चलता है जो रिक्वेस्ट हमारे पास आई है ना वो सही है गलत है सब पता चलता है, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें काम करना है या नहीं करना है। वैसे अच्छा ही वो हम आ गए, आप देख के दिल में टिन टिन आवाज आने लगी है। ऐसा लगा कि हमारा आपसे बहुत पुराना कनेक्शन है, कोई रिश्ता है। आपको भी ऐसा लगा क्या? वो इसके कहने का मतलब ये है कि अच्छा हुआ आपसे मिलकर हम समझ में आ गए कि आपकी रिक्वेस्ट एकदम सही थी। हाँ लैला सही कह रही। अच्छा किया आप लोगों ने जो आप लोग आ गए। कल आप लोगों को वो जगह दिखा देंगे जहाँ पर महिला आश्रम बनाना चाहते हैं। आराम कीजिए, नाश्ता करिए, पानी पीजिए, फिर आप लोगों को रहने का इंतजाम गेस्ट हाउस में हो जाएगा। गेस्ट हाउस? क्यों? क्यों? कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ वो अब जमाना बहुत खराब है ना, हम दोनों अबला नारी अकेली हैं बेचारी, गेस्ट हाउस में थोड़ा इट्स रिस्की यू नो, अकेले गेस्ट हाउस में रहना। अरे आप लोग खुद महिला आयोग से आए हैं और अगर आप ही इस तरह अकेली अबला नारी जैसी बात करेंगी तो बाकियों की हिम्मत कैसे बढ़ाओगे? वही तो मैं कह रही हूँ, आप बिल्कुल करेक्ट कह रही। सुना तूने, मैं ना कहती थी हमेशा से। क्या कहती थी? कि तू बहुत डरती है, बेवजह डरती है। मैं डर करती हूँ? हाँ मैं बहुत डरपोक हूँ। आप डरती है मतलब किस चीज से डरती है आप? वो लैला पहले कैबरे करती थी। क्या बताऊं आप लोगों को, ये बेचारी की दास्तान कहीं घर से है ना, गरीबी में पता नहीं इसे क्या क्या करना पड़ा। एक बार एक गेस्ट हाउस में इसके साथ मुझे तो बताया भी नहीं जा रहा। वो क्या है ना कि इसे हम गेस्ट हाउस से ही तो उठा कर लाए थे। ठीक है लैला, जैसे भगवान की मर्जी, जैसे इन लोगों की मर्जी, हम रह लेंगे गेस्ट हाउस में अकेले। नहीं आप लोग हमारे घर में रहेंगे हमारे साथ, इन लोगों का सामान लड़कियों के कमरे में डाल दो। थैंक यू।
अब वीर जी और मैं मिलकर बहुत जल्द उस लड़की का पता लगाएंगे और प्रीत और उसके परिवार पे कोई आंच नहीं आने देंगे।